हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूँ जनक कुमार। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के बारे में। इस वीडियो में हम पूरे डिटेल से जानेंगे कि इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में हम स्टील कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने 6 वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया है मॉडर्न स्टील मेकिंग के। तो उसका जो प्ले लिस्ट है उसके लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहाँ से आप डायरेक्टली उस प्ले लिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ से जो जो प्रीवियस 6 लेक्चर है स्टील मेकिंग का वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के बारे में। तो मैं सीधे आपको उसके डायग्राम में ही ले चलता हूँ। ये इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का डायग्राम है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है ना, वो LD कन्वर्टर को रिप्लेस करता है ना, स्टील प्लांट में। मतलब ये प्राइमरी स्टील मेकिंग में यूज़ होने वाला एक फर्नेस है। अब देखिए, अब बात आती है कि अगर आपके पास LD कन्वर्टर है तो उसके बदले हम इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का यूज़ क्यों करते हैं, है ना। तो उसका रीजन्स है। उसका पहला रीज़न क्या है कि जो LD कन्वर्टर होता है ना, उसमें हम केवल 15% तक सॉलिड चार्ज कर सकते हैं, है ना। सॉलिड चार्ज का मतलब होता है स्टील का स्क्रैप, जो वेस्ट स्टील होता है उसको बोलते हैं स्टील स्क्रैप। इसके अलावा DRI है ना, ये सब होते हैं सॉलिड चार्ज। तो वहाँ पर लिमिटेशन कितनी है, 15% की LD कन्वर्टर में। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा प्लांट है जिसके पास DRI भी है ना, वो चाहता है कि 15% से ज़्यादा सॉलिड चार्ज करें, है ना। मतलब उसके पास DRI का भी है, उसके पास ब्लास्ट फर्नेस भी है ना, तो वो चाहता है कि वो 15% से ज़्यादा सॉलिड चार्ज का यूज़ करें, है ना। तो अगर 15% से ज़्यादा सॉलिड चार्ज करना है तो वहाँ पे आप LD कन्वर्टर का यूज़ नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि वहाँ पे अलग से आप फ्यूल का कोई सोर्स नहीं दे रहे हो, हीट सोर्स कुछ है नहीं, है ना। वहाँ पे केवल जो केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं उससे जो हीट निकलता है उसी का उपयोग किया जाता है LD कन्वर्टर में। तो वहाँ पे लिमिटेशन होगी 15% की, है ना। लेकिन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में क्या फ़ायदा होता है एक, या क्या एडवांटेज है इसमें, देखिए ये जो है 3 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। ये इलेक्ट्रोड आपके ग्रेफाइट के बने होते हैं, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में कोई लिमिटेशन नहीं है सॉलिड चार्ज की। आप कितने से भी 0 से लेकर 100% तक आप सॉलिड चार्ज कर सकते हो, है ना। मतलब इसमें सॉलिड चार्ज करने की कोई लिमिटेशन नहीं है। ओके, सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका JSPL रायगढ़। JSPL रायगढ़ में क्या है, वहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस भी है और उसके पास बहुत सारे DRI भी है ना। तो वहाँ पे 50% जो है DRI यूज़ होता है स्टील बनाने के लिए और 50% जो है वो पिग आयरन यूज़ होता है ना। तो इस केस में आप LD कन्वर्टर का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि आपको 50-50% चार्ज करना है। तो वहाँ पर क्या है आपका इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है। ठीक है, तो चलिए इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस को एक बार देख लेते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे है। इसमें देखिए, इसमें आप ऊपर देखिए ये 3 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। ये इलेक्ट्रोड जो है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होते हैं ग्रेफाइट के। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड हो गए। उसके अलावा ये जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं रूफ, है ना, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का रूफ। ये इलेक्ट्रोड और रूफ जो है ना, दोनों यहाँ से ऊपर उठ के साइड में आ सकते हैं। मतलब इसमें मैकेनिज्म होता है, इलेक्ट्रोड को आप उठा के साइड में भी ऐसे रख सकते हैं, रूफ़ भी यहाँ से उठ के इधर आ सकता है। मतलब जब आपको चार्जिंग करना होगा ना, तो आप रूफ और इलेक्ट्रोड के यहाँ से हटा सकते हो, मतलब इसको उठा के इधर बगल में रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद चार्जिंग होने के बाद वापस से आप इसको रूफ और इलेक्ट्रोड को वापस लगा सकते हो। इसमें ये मैकेनिज़्म होता है ना। उसके बाद देखिए, ये आपका वो एरिया जहाँ पे आपका मेटल होता है, पिग आयरन या जो मोल्टन मेटल है यहाँ पे होता है। ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है ना, वो बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होता है, ये उथला जैसा होता है ना। मतलब इसका जो बॉटम का ये है, एरिया ज़्यादा है और गहराई कम होती है इसमें। ठीक है, उसके अलावा देखो, ये इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस ऐसे एक रॉकर टिल्ट पे रखा हुआ है, ऐसे ये नीचे देख सकते हो आप, रॉकर टिल्ट पे रखा हुआ है और यहाँ पे टिल्ट सिलेंडर है। तो ये जनरली हाइड्रोलिक होता है, इसके थ्रू आप इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस को मतलब झुका सकते हो। अगर इसको अगर ऊपर करोगे तो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस इस तरफ झुक जाएगा। तो अगर जब आपको डिसलैगिंग करना होता है ना, या फिर टैपिंग करना होता है स्टील का, तो इसका टिल्टिंग मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा देखिए, इधर एक जगह दी गई है, ये वाला पोर्शन पे ध्यान दीजिए, ये छोटा सा दरवाज़ा जैसे दिया हुआ है, यहीं से क्या करते हैं, डिसलैगिंग करते हैं। मतलब जब स्लैग बन जाता है ना, सॉरी, जब स्लैग को आपको बाहर निकलना होता है तो यहाँ से हम स्लैग को बाहर निकाल सकते हैं। उसके अलावा ऑक्सीजन जब लैंसिंग करना होता है, ऑक्सीजन देना होता है, तब भी यहीं से भी ऑक्सीजन का एक लैंस जाता है ऐसे, और ये मोल्टन स्टील को क्या करते हैं, ऑक्सीजन देता है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर इधर आप देख रहे होगे, इसको बोलते हैं EBT, इसेंट्रिक बॉटम टैपिंग। ये केवल टैपिंग के लिए काम आता है,
जब आपका डिसलेगिंग हो जाता है ना, उसके बाद जो भी स्टील बचता है उसको इस लैडल में टैप करने के लिए क्या करते हैं, ये इसेंट्रिक बॉटम टैपिंग को खोल देते हैं। इससे पूरा जो मोल्डर मेटल है वो इस लैडल में आ जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए ये इसका टॉप व्यू दिखा रहे हैं इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखो ये आप ये पूरा इसका रूफ है, रूफ मतलब ढक्कन मान सकते हो, एक ढक्कन की तरह है, सिंपल भाषा में ढक्कन बोलो इसको, है ना। और यहाँ पे देखिए ये तीन इलेक्ट्रोड दिए गए हैं, ये 1 2 3। तो ये जो तीनों इलेक्ट्रोड होते हैं ना वो एकदम सीधे नहीं होते, जो फर्स्ट डायग्राम में आपको दिख रहे थे कि ऐसे सीधे थे, ऐसा नहीं होता है, ये एक एंगल में होते हैं। जैसे मान लीजिए एक राइट एंगल है, तो राइट एंगल के तीनों कॉर्नर में जैसे ये एक एक क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं, इस तरीके से लगा होता है ये। अब ये जो तीनों इलेक्ट्रोड है वो क्या है, पावर कनेक्टिंग आर्म से कनेक्ट होते हैं, उसके बाद एक केबल से कनेक्ट होता है केबल, और ये केबल आपका कनेक्ट होता है ट्रांसफार्मर से। ठीक है, ट्रांसफार्मर से इसमें हाई वोल्टेज दिया जाता है, इस केबल में, केबल के थ्रू कनेक्टिंग आर्म में आता है, आर्म से वो किस में जाता है, इलेक्ट्रोड में जा रहा है ना। इसके बाद ये रूफ सस्पेंशन बीम है, यही रूफ को उठाने का काम करता है, ये पूरा हाइड्रोलिक मैकेनिज्म के थ्रू ये रूफ जो है ऊपर उठ सकता है और ऐसे साइड में टंग सकता है, ये ऊपर उठ को ऊपर उठा के अब इसको रूफ को साइड में भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया इसका पूरा कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ से आप देख सकते हो इसका थ्योरी चालू होता है, यहाँ पे आप इस वीडियो को पॉज करके ये सारी जो चीज़ें लिखी हुई है उसको आप पढ़ सकते हो, नोट भी कर सकते हो। ठीक है, मैं हर चीज़ को इंग्लिश में पढ़ते नहीं जाऊँगा, जो चीज़ें लिखी हुई ना वही आपको हिंदी में मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, वही सेम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आपको नोट करना होगा या पढ़ना होगा तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये एक डेटा दिया गया है, इसके हिसाब से क्या बोल रहा है कि जो वर्ल्ड में जो स्टील का प्रोडक्शन होता है ना, उसमें से 33% जो प्रोडक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के थ्रू होता है, और 63.6% जो प्रोडक्शन होता है वो BAOF मतलब बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस मतलब LD कन्वर्टर के थ्रू होता है, और बाकी जो 3.3% है वो दूसरे रूट से हम प्रोड्यूस करते हैं। तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्नेस है ना, क्योंकि 33% मेटल का प्रोडक्शन जो है वो यहीं से हो रहा है। अब देखिए, अभी मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में हमारे पास एक क्या फैसिलिटी होती है, इलेक्ट्रिक आर्किंग की, है ना। तो आप यहाँ पे सॉलिड चार्ज कितना भी करो, आप आर्किंग करके उस सॉलिड चार्ज को मेल्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको कितना बिजली की खपत होती है, यहाँ पे दिया गया है अराउंड 350 to 370 किलोवाट आवर पर टन ऑफ स्टील, इतनी एनर्जी आपकी लगती है। ठीक है, एक टन स्टील को गलाने के लिए 350 से 370 किलोवाट आवर, इतनी एनर्जी यहाँ पे लगती है ना। इसके अलावा अगर आप पिग आयरन भी चार्ज करो, कहीं कहीं पे जैसे कि कुछ सॉलिड चार्ज करते हैं उसके बाद कुछ पिग आयरन भी चार्ज करते हैं, तो जब हम रिफाइनिंग के समय जब ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ना, तो वहाँ पे भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है, जैसे LD कन्वर्टर में होता है वैसे यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन होती है रिफाइनिंग के समय में, तो यहाँ से भी जो है केमिकल एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, या केमिकल एनर्जी बोलता हूँ, हीट एनर्जी रिलीज़ होती है और वहाँ से भी आपको हीट मिलता है। ठीक है, लेकिन वही है कि वो जितना हीट यहाँ मिलता है ना, वो हीट सफिशिएंट नहीं होता है कि वो सॉलिड चार्ज को गला सके, बस वो हेल्प करता है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आप 15% से ज़्यादा चार्ज करते हो सॉलिड चार्ज, इसलिए। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है वो लगभग 60 मिनट का साइकिल होता है ना। ये साइकिल, इसको टैप टू टैप साइकिल बोलते हैं, मतलब 60 मिनट में एक टैपिंग होता है, फिर नेक्स्ट 60 मिनट में दूसरा टैपिंग होता है। ये इस 60 मिनट को अगर आप अलग अलग डिवाइड करके देखो तो इसमें कहाँ कहाँ टाइम लगता है, देखो पहला फर्स्ट चार्जिंग में आपको 3 मिनट लगता है, फिर इसके बाद चार्ज करने के बाद उसको मेल्टिंग करना पड़ता है 20 मिनट तक। ठीक है, फिर वो मेल्ट होने के बाद फिर से 3 मिनट फिर चार्जिंग में जाता है, फिर 14 मिनट फिर मेल्टिंग में जाता है, फिर 10 मिनट में रिफाइनिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर टैपिंग होता है 3 मिनट में, फिर फर्नेस टर्न अराउंड होता है 7 मिनट में। तो ये टोटल जो है 60 मिनट का साइकिल होता है। अब ये जो साइकिल है कम या ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी सॉलिड चार्ज कितना कर रहे हो। अगर आप 100% सॉलिड चार्ज कर रहे हो ना, तो वहाँ पर आपको समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि जितना सॉलिड चार्ज करोगे ना उतना मेल्टिंग में समय देना पड़ेगा, है ना, और मेल्टिंग में सबसे ज़्यादा समय जाता है। और सॉलिड चार्ज अगर कम करोगे, उसके बदले अगर आप पिग आयरन या हॉट मेटल चार्ज करोगे ज़्यादा, तो उसमें आपका टैप टू टैप टाइम कम लगेगा, क्योंकि मेल्टिंग में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। चलिए अब एक एक करके सारे ऑपरेशन को देख लेते हैं।
यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिए आप कि इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में ना जो पहला स्टेप जो होता है, जो मेल्टिंग का जो स्टेप है, वही स्टेप जो है ना वो एलडी कन्वर्टर से अलग है। उसके बाद अगर एक बार आपका मेल्टिंग कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में एक बार मेल्टिंग कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो रिफाइनिंग जो प्रोसेस है ना, या जो रिफाइनिंग ऑपरेशन है, वो एकदम सेम होता है एलडी कन्वर्टर के जैसे ही। तो अगर आप एलडी कन्वर्टर में रिफाइनिंग को पढ़ चुके हो, मैंने जो पढ़ाया था वहाँ पे, अगर आपने पूरा रिएक्शंस वगैरह देख लिए हैं, है ना, कैसे रिफाइनिंग होती है पढ़ लिए हैं, तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज़ होता है। बस यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है कि हम यहाँ पे आर्किंग करके उसको सॉलिड चार्ज को मेल्ट भी करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे ऑपरेशन देख लेते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन होता है फर्नेस चार्जिंग का। ठीक है, ये यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, इसको मैं भी बताऊंगा। तो देखिए, फर्नेस चार्जिंग के लिए ना इस तरीके से बकेट होता है, इसको बोलते हैं बकेट। ठीक है, लोहे का बना बहुत भारी बकेट होता है। तो ऐसा नहीं है कि जब आप सॉलिड चार्ज कर रहे हो तो आप कुछ भी सॉलिड को कैसे भी चार्ज करोगे, ऐसा नहीं है। इसका भी एक प्रॉपर तरीका होता है सॉलिड को चार्ज करने का। तो सॉलिड चार्ज करने के लिए ना इस तरीके से बकेट आता है। तो इस बकेट में कैसे रखते हैं स्क्रैप को, सबसे बॉटम पे लाइट और फ्लफी स्क्रैप को रखा जाता है। लाइट मतलब हल्के जो छोटे छोटे स्क्रैप होते हैं ना, या जो फ्लफी स्क्रैप होते हैं जो पतले होते हैं, उसको यहाँ पे नीचे पे रखा जाता है उस स्क्रैप को। अब यहाँ पे इसको रखने का रीज़न क्या है, क्योंकि जब ये बकेट, ये देखिए, यही बकेट जो है ना वो फर्नेस के ऊपर जाता है क्रेन के थ्रू। उसके बाद ये बकेट का जो नीचे का पोर्शन है ना, ये आप एक तरह से बोल सकते हो दरवाज़ा है, ये ऐसे खुलता है, ये दरवाज़ा ऐसे, ठीक है, ऐसे खुल जाता है। ये खुलता है तो अंदर का रखा जितना भी चार्ज मटेरियल है ना, वो नीचे कहाँ चला जाता है, फर्नेस में चला जाता है। ठीक है, तो ये नीचे पे लाइट और फ्लफी स्क्रैप रखने का रीज़न क्या है, क्योंकि अगर आप बॉटम में ही बहुत बड़े बड़े स्क्रैप रख दिए, तो जब ये सीधे नीचे जाएगा तो जो फर्नेस को, जो रिफ्रैक्ट्री है ना, उसको डैमेज कर सकता है। इसलिए नीचे में क्या करते हैं, छोटे छोटे स्क्रैप को रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये मिडिल पोर्शन में रखते हैं आपका कोर्स स्क्रैप को, मतलब जो भी बड़े बड़े स्क्रैप होते हैं, लोहे के बड़े बड़े टुकड़े जो होते हैं, उसको फिर मिडिल में रखा जाता है। और ये जो आइट साइड में देख रहे हो बगल में, ये बकेट के दीवार के आसपास, यहाँ पे जनरली स्लैग फॉर्मर, जैसे कि आपका लाइम स्टोन हो गया, डोलोमाइट वगैरह हो गया, इन सबको रखा जाता है इस साइड में। और सबसे ऊपर में देखो, बकेट के ऊपर में रखा जाता है फाइन स्क्रैप को। फाइन स्क्रैप मतलब बहुत जो छोटे छोटे स्क्रैप जो होते हैं ना, उसको ऊपर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है ऐसा, क्योंकि जब आप शुरू में जब आप आर्किंग करोगे, है ना, तो जब आप आर्किंग करोगे और डायरेक्टली अगर बड़े बड़े जो स्क्रैप है उसके ऊपर अगर आप आर्किंग करोगे, तो जो आर्क जो होता है ना, वो यहाँ से टकरा के, बड़े स्क्रैप से टकरा के कहाँ पे जा सकता है, रिफ्रैक्ट्री को डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो जो ऊपर है ना, ये जो ऊपर में जो आप छोटे स्क्रैप डाल रहे हो ना, यही पहले क्या होगा, मेल्ट होगा। तो अगर स्क्रैप अगर छोटे होंगे तो वो जल्दी मेल्ट हो जाएंगे, अगर बड़े बड़े स्क्रैप को आप ऊपर रख दिए तो उसको मेल्ट होने में टाइम लगेगा, और जो आर्क है वो बड़े स्क्रैप से टकरा करके रिफ्रैक्टरी को भी डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऊपर में क्या 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 किया जाता है, छोटे स्क्रैप को रखा जाता है। तो इस बकेट में नीचे और ऊपर छोटे स्क्रैप को रखा जाता है, और मिडिल में बड़े बड़े स्क्रैप को रखा जाता है। तो इस तरीके से आपको चार्जिंग करना है। अब यही बकेट क्या होगा, फर्नेस के ऊपर जाएगा और ये इसका दरवाज़ा खुल जाएगा, बकेट का दरवाज़ा खुल जाएगा, और ये पूरा जो मटेरियल किस में चला जाएगा, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस होता है। अब देखिए, उसके बाद जो चार्जिंग जो करते हैं ना, बकेट चार्जिंग, वो ऐसा नहीं कि एक ही बार में पूरा का पूरा जो भी स्क्रैप है, जो भी मेटल, उसको चार्ज कर दिए। अगर बहुत सारा अगर आपके पास स्क्रैप है, तो एक एक करके पहले एक बार बकेट को, स्क्रैप को चार्ज करते हैं, फिर उसको मेल्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर सेकेंड टाइम फिर बकेट को लाते हैं, फिर चार्ज करके फिर उसको मेल्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चलता रहता है। अगर सॉलिड चार्ज कम है तो एक ही बार में पूरा आपका जो मटेरियल है उसको हम चार्ज कर देते हैं, है ना। अब देखिए, चार्जिंग के बाद आपका सेकेंड क्या होता है ऑपरेशन, वो होता है मेल्टिंग का। ठीक है, तो मेल्टिंग में क्या होता है, शुरू में मान लीजिए आपका जो है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है, ऐसे है, ठीक है, आपने क्या कर दिया, सॉलिड चार्ज इसमें डाल दिया, तो ये जो इलेक्ट्रोड जो होगा ना, शुरू में आपको इसमें वोल्टेज कम देना होगा, शुरू में आपको क्या करना है, वोल्टेज कम देना है। ठीक
ठीक है, वोल्टेज आपको कम क्यों देना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा वोल्टेज दिए शुरू में ही, तो वही बताना वोल्टेज से ही क्या होता है, जो आर्क का जो लेंथ है वो डिसाइड होता है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस काम कैसे करता है, जो इलेक्ट्रोड जो होता है ना उसमें आप बहुत हाई वोल्टेज देते हो, उसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रोड और चार्ज मटेरियल के बीच में जो आपका एयर है वो चार्ज हो जाता है। इलेक्ट्रोड और किसके बीच, मेटल के बीच में जो जो एयर गैप है वो एयर क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। इससे क्या होता है, आर्किंग होता है। ठीक है, ये आर्किंग होता है। तो अगर वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा, वोल्टेज आपका जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आर्क का लेंथ होगा। ठीक है, तो आर्क का लेंथ शुरू में अगर बहुत ज़्यादा रखोगे तो रिफ्रैक्टर को डैमेज कर सकता है, इसलिए क्या किया जाता है, हमेशा ऊपर में जैसे मैंने बताया ना छोटे छोटे स्क्रैप रखते हैं। ठीक है, और शुरू में क्या करते हैं, थोड़ा सा कम वोल्टेज रखते हैं। कम वोल्टेज रखने से क्या होता है, जो छोटे छोटे स्क्रैप होते हैं ऊपर में वो तुरंत मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है बोर इन पीरियड। शुरू में जो मेल्टिंग किया जाता है उसको बोलते हैं बोर इन पीरियड, उसमें हम वोल्टेज कम देते हैं। ठीक है, तो इन बोर इन पीरियड में क्या होता है, लगभग 15% स्क्रैप जो है वो आपका मेल्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 15% मेल्ट आपका क्या होगा, 15% स्क्रैप आपका क्या होगा, मेल्ट हो गया, तो मतलब एक तरह से थोड़ा सा लिक्विड बन गया ऊपर में। अब लिक्विड बन जाने के बाद क्या कर सकते हो, आप इलेक्ट्रोड को और अंदर ले जा सकते हो आप स्क्रैप के अंदर। ठीक है, शुरू में डायरेक्टली हम उसको अंदर नहीं ले जा सकते थे, जो इलेक्ट्रोड होता है ना अब थोड़ा सा अंदर जा सकते, जैसे इलेक्ट्रोड है, तीन इलेक्ट्रोड है, शुरू में हमने क्या किया, बोरिन पीरियड दिया, तो उससे शुरू में क्या हुआ, 15% स्क्रैप जो है वो क्या हुआ, लिक्विड बन गया, तो इससे थोड़ा सा लिक्विड आ गया इसमें। अब आप इस इलेक्ट्रोड को थोड़ा सा अंदर ले जा सकते हो, इस इलेक्ट्रोड को क्या कर सकते हो, थोड़ा सा आप इसको अंदर भेज सकते हो। अंदर भेजने के बाद ये क्या होगा, मेटल मेटल के अंदर थोड़ा सा डूब जाता है, इलेक्ट्रोड का जो टिप है वो मेटल के अंदर थोड़ा सा डूब जाता है। अब आप क्या कर सकते हो, वोल्टेज को अब आप बढ़ा सकते हो। अब आप जब वोल्टेज को बढ़ाओगे ना तो क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रोड का जो टिप होगा वो थोड़ा सा अब लिक्विड के अंदर रहेगा, क्योंकि पहले से थोड़ा बहुत लिक्विड क्या हो चुका है, पिघल चुका है, लिक्विड बन चुका है ना, तो वो अब इलेक्ट्रोड का जो टिप है वो क्या होगा, अब थोड़ा सा लिक्विड के अंदर रहेगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप वोल्टेज को बढ़ा सकते हो। आपको वोल्टेज को बढ़ाना भी पड़ेगा, क्योंकि अब आपको क्या करना है, बड़े बड़े स्क्रैप को अगर आपको अब मेल्ट करना है तो आपको वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। तो जब आप वोल्टेज बढ़ाओगे ना तो आर्क का लेंथ भी बढ़ेगा। ठीक है, और चूंकि ये स्टील के अंदर डूबा हुआ है तो यहाँ से आर्क भी जो है ना वापस से रिफ्रैक्टरी को डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि अब वो आर्क जो है केवल अंदर ही रहेगा मेटल के, और वो अंदर ही अंदर इसको जो लार्ज स्क्रैप है, जो बड़े बड़े स्क्रैप है उसको मेल्ट करेगा। ठीक है, अब इस तरीके से चलता है, लगभग 20 मिनट लगते हैं पूरे जो चार्ज मटेरियल है उसको मेल्ट करने में। अब ये डिपेंड करता है, 20 मिनट है ना, 20 मिनट ऐसा नहीं कि एकदम 20 मिनट ही लगेगा, डिपेंड करता है, अगर आपका सॉलिड चार्ज ज़्यादा है तो 20 मिनट लग सकता है, अगर कम है तो उससे कम टाइम भी लग सकता है ना। और शुरू में जब वोल्टेज दिया जाता है ना तो जो आर्किंग की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है शुरुआत में, है ना, क्योंकि शुरू में क्या होता है, आर्क जो है अनस्टेबल होता है, शुरू में जो आर्क होता है वो बहुत ही अनस्टेबल होता है। यहाँ पे अनस्टेबल होने के कारण बहुत सारी आवाज़ आती है, तो आपको शुरू में पता चल जाएगा कि अभी मेल्टिंग चल रही है, आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है। उसके बाद कुछ समय बाद, कुछ मेटल मेल्ट होने के बाद उसकी जो आवाज़ है वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, मेल्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक आर्क के अलावा कई जगह बर्नर का भी यूज़ करते हैं, ऑक्सीफिल बर्नर का भी इस्तेमाल कई जगह किया जाता है, इससे कोई फ्यूल वगैरह दिया जाता है। अगर आपको और मेल्टिंग को और फास्ट करना है तो आप कोई फ्यूल भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मेल्टिंग ऑपरेशन कंप्लीट होता है। अब एक बार मेल्ट होने के बाद, ठीक है, फिर मेल्ट आपका कंप्लीट होने के बाद आप जब आप उसमें प्यूरिफिकेशन करोगे ना, मतलब जब रिफाइनिंग ऑपरेशन करोगे, तो रिफाइनिंग ऑपरेशन के टाइम आप क्या देते हो, फिर से ऑक्सीजन देते हो, क्योंकि मेल्ट हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, आपका सॉलिड चार्ज मेल्ट हो गया, उसके बाद मान लीजिए आपको लिक्विड चार्ज भी करना है, जैसे मैंने बताया ना JSPL का एग्जांपल दिया कि वहाँ पे 50% DRI चार्ज करते हैं, तो DRI चार्ज कर लेते हैं, फिर उसको मेल्ट कर लेते हैं DRI को, है ना, फिर उसके बाद फिर से क्या करते हैं, फिर पिग आयरन चार्ज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है। कई जगह ऐसा भी होता है कि कंटिन्यूस चार्जिंग भी किया जाता है,
जैसे आपका पिक आयरन आ गया चार्ज कर लिया, उसके बाद DRI को ना कंटिन्यूसली बीच बीच में चार्ज करते रहते हैं, क्योंकि DRI का चार्ज क्या, DRI का जो साइज़ होता है ना काफ़ी छोटा होता है, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास स्क्रैप अगर बहुत बड़ा बड़ा साइज़ का है तो आपको शुरू में उसको मेल्ट करना पड़ेगा लाके, और अगर आपके पास DRI है तो DRI क्या है बहुत छोटे होते हैं तो आप उसको बीच बीच में चार्जिंग करते रह सकते हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सीधा से रिफाइनिंग। अब आपका मेल्टिंग कंप्लीट हो गया, मान लीजिए हमने पूरा मेल्ट कर दिया अपने मेटल को, अब हमको क्या करना है, रिफाइनिंग करना है। तो रिफाइनिंग जो है सेम टू सेम आपका LD कन्वर्टर जैसे ही होगा। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी ऑक्सीजन एक लेंस लगाते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन लेंस क्या है ऊपर से नहीं होता है, जो साइड से जो मैंने बताया ना शुरू में जो मैंने बताया था एक छोटा सा दरवाज़ा दिया गया था, वहाँ से एक पाइप, एक लंबा सा पाइप लेते हैं, उसको ऑक्सीजन लेंस बोलते हैं। ठीक है, वो उसको हॉरिजॉन्टली भेजते हैं हम लोग, वहाँ से फिर ऑक्सीजन जो है वो जाता है। आपको एक बार और डायग्राम में दिखाई देता हूँ मैं। रिफाइनिंग कैसे करते हैं, यहाँ से जो दरवाज़ा दिख रहे हैं ना, यहाँ से ऐसे ऑक्सीजन का लेंस जाता है ऐसे सीधा हॉरिजॉन्टली। ठीक है, फिर यहाँ से क्या करते हैं, ऑक्सीजन दिया जाता है इसको मेल्ट को। तो जब ही जैसे ही ऑक्सीजन देते हैं ना, इसमें रिफाइनिंग ऑपरेशन चालू हो जाता है। अब रिफाइनिंग में देखिए आपको क्या होगा, आपका जो पिग आयरन है या जो जो मोल्टन अभी जो मेटल है उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ है, जैसे कि आपका हो सकता है कार्बन, सिलिकॉन, मैंगनीज, सल्फर, फास्फोरस, सॉरी सल्फर तो नहीं होगा, फास्फोरस, ये सब चीज़ें जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने लगती है। ठीक है, तो सिलिकॉन और मैंगनीज जो होता है वो तो ऑक्सीजन से इसकी एफिनिटी बहुत अच्छी होती है, तो सिलिकॉन और मैंगनीज जो है वो बड़ी आसानी से क्या होता है रिमूव हो जाता है ना, वो ऑक्साइड बना लेता है। सिलिकॉन आपका सिलिका बना लेगा, ठीक है, सिलिका बना लेगा, मैंगनीज जो है वो MnO बना लेगा, और साथ ही साथ हम यहाँ पे फ्लक्स भी ऐड करते हैं, फ्लक्स में हम लाइम और डोलोमाइट ऐड करते हैं, तो ये लाइम के साथ मिल के सिलिका, लाइम और मैग्नी ये सब मिल के क्या बना लेता है, स्लैग बना लेता है। ठीक है, और ये सारी ऑक्साइड क्या चली जाती है, स्लैग में चली जाती है। यहाँ पे अब सबसे बड़ी दो चीज़ में, दो इम्प्योरिटी को निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, एक तो होता है फॉस्फोरस और एक होता है सल्फ़र। ठीक है, तो सल्फ़र और फॉस्फोरस को रिमूव करने में दिक्कत क्या आती है कि जो सल्फ़र रिमूवल और फॉस्फस रिमूवल का जो कंडीशन है ना, है ना, जो फेवरेबल कंडीशन है रिमूव होने के, वो दोनों बहुत ही अपोजिट होती है। जैसे फॉस्फोरस रिमूवल के लिए आपको लो टेम्परेचर चाहिए है ना, तो सल्फ़र के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। इसके अलावा फॉस्फोरस के लिए आपको ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन चाहिए, तो सल्फ़र रिमूवल के लिए आपको रिड्यूसिंग कंडीशन चाहिए। ठीक है, और दोनों के लिए ही स्लैग की बेसिसिटी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तो दोनों का एक तरह से कंडीशन थोड़ा अलग अलग है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि सल्फ़र का रिमूवल जो है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में नहीं होता है। ठीक है, वो टाइपिंग के समय आखिरी आखिरी में भले करते हैं। ठीक है, शुरू में हम केवल फॉस्फोरस रिमूवल कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे ऑक्सीजन दे रहे हो, मतलब ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन है, तो शुरू में ही क्या होता है, जैसे ही आप ऑक्सीजन देते हो ना, सारे जो इम्प्योरिटी है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेते हैं, साथ ही साथ इसके जो FeO है, आयरन है, वो भी ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, और ये क्या बना लेता है, FeO बना लेता है। ये FeO फॉर्म होना भी ज़रूरी है, क्योंकि स्लैग के अंदर FeO का कंटेंट जितना ज़्यादा होगा ना, जितना ज़्यादा कंटेंट FeO का होगा फॉस्फोरस रिमूवल के लिए वो उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि अगर स्लैग में FeO ज़्यादा है तो ये फॉस्फोरस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अगर FeO ज़्यादा है तो ये P2O5 जो है ना ऑक्साइड, इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और क्या कंडीशन मैंने बताया, फॉस्फोरस रिमूवल के लिए लो टेम्परेचर चाहिए होता है, तो लो टेम्परेचर देखिए आपका शुरू में ही मिलेगा, क्योंकि आप जैसे जैसे ऑक्सीजन को बढ़ाते जाओगे, देते जाओगे ना, हीट एनर्जी रिलीज होगी एक्जोथर्मिक रिएक्शन के कारण, तो इससे टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है। तो शुरू में ही फॉस्फोरस रिमूवल के लिए सबसे बेस्ट कंडीशन होता है, जब आप शुरू में ही ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हो ना, उसी समय आपका सबसे ज़्यादा अमाउंट में FeO बनता है, और टेम्परेचर भी क्या होता है, लो होता है। ठीक है, तो यही सबसे बेस्ट कंडीशन होता है फॉस्फोरस रिमूवल के लिए, जो शुरू के जो टाइम होता है वो, तो शुरुआत में ही जितना ज़्यादा हो सके फॉस्फोरस का रिमूवल हम लोग कर लेते हैं। और जैसे जैसे फॉस्फोरस रिमूव होता है ना, बीच बीच में स्लैग को भी निकालते रहते हैं, ऐसा नहीं है जैसे LD कन्वर्टर में क्या करते हैं, सबसे आखिरी में ही स्लैग निकाला जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में क्या होता है, बीच बीच में भी हम स्लैग को निकालते रहते हैं टिल्ट करके, क्योंकि जो शुरू में जो स्लैग बनेगा ना, जैसे मैंने बताया ना, शुरू में ही फॉस्फोरस रिमूवल हमको कर लेना है, तो शुरू का जो स्लैग जो बनेगा उसमें फॉस्फोरस ज़्यादा होगा, तो उस स्लैग को शुरू में ही निकाल लेना पड़ता है, क्योंकि अगर हाई फॉस्फोरस वाले स्लैग को आप ज़्यादा समय तक रखोगे तो फॉस्फोरस जो है वो रिवर्ट बैक भी कर सकता है, मतलब वो वापस से स्टील में भी आ सकता है, तो बीच बीच में जो है डी स्लैगिंग हमको करते रहना पड़ता है।
ठीक है। उसके अलावा आपका फॉस्फोरस, यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला दिया गया है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ये क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है फॉस्फोरस डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो, एलपी का मतलब है फॉस्फोरस डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो। यहाँ पे परसेंटेज भी ऊपर का बता रहा है परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इन स्लैग, और नीचे का बता रहा है परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस इन मेटल, ठीक है। तो ये फॉस्फोरस डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो जो होता है ना इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, वो केवल 5 से 15 होता है, मतलब आप केवल 20 से 50% तक फॉस्फोरस ही रिमूव कर सकते हो। मतलब जो पीक आयरन में जो फॉस्फोरस आ रहा है, पीक आयरन के साथ जो फॉस्फोरस आ रहा है उसका आप मैक्सिमम 50% फॉस्फोरस ही रिमूव कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो 50% है वो आसानी से रिमूव नहीं होता है। अब देखिए सल्फ़र रिमूवल करना है आपको, तो सल्फ़र रिमूवल तो देखिए जब तक आप ऑक्सीजन दे रहे हो ना तब तक आप सल्फ़र का रिमूवल तो कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि सल्फ़र के लिए आपको क्या चाहिए, रिड्यूसिंग कंडीशन चाहिए, है ना। तो जब आप जब तक आप ऑक्सीजन दे रहे हो तब तक आप सल्फ़र रिमूवल तो कर ही नहीं सकते हो। सल्फ़र रिमूवल आपको करना है क्योंकि आपका सेकेंडरी स्टील मेकिंग में होता है रिमूवल, ठीक है। अगर आपको यहीं पर करना है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में तो क्या करना पड़ेगा आपको, ऑक्सीजन देना बंद करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर आपकी सारी इम्प्योरिटी निकल चुकी है ऑक्सीजन से तो आपको ऑक्सीजन देना बंद करना है। उसके बाद आपको पहले डीऑक्सीडाइजर ऐड करना है, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, है ना, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैंगनीज, ये होता है डीऑक्सीडाइजर। इसमें सबसे बेस्ट डीऑक्सीडाइजर आपका एल्यूमिनियम होता है, तो एल्यूमिनियम पहले आपको ऐड करना पड़ेगा, और जितना भी ऑक्सीजन है उसको आपको स्टील से निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना पड़ता है, जो डीसल्फराइजिंग एजेंट है जैसे कि लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड, वो डालना होता है, है ना। तो ये क्या करता है, कैल्शियम ऑक्साइड सल्फर से रिएक्शन करके कैल्शियम सल्फाइड बना लेते हैं और ये स्लैग में चला जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक और मेथड यूज़ करते हैं, सिंथेटिक स्लैग ऐड करते हैं। इसमें क्या होता है, सिंथेटिक स्लैग क्या होता है, ये एक ऐसा स्लैग है जो बाहर बनाया जाता है, है ना। मतलब वो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के अंदर नहीं बनता है, आर्टिफिशियल आप बाहर सिंथेटिक स्लैग बनाते हो, और उस स्लैग का कॉम्पोजिशन ऐसा होता है कि वो सल्फर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ठीक है। तो वो सिंथेटिक स्लैग बनाया जाता है और फिर उसको इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में आखिरी में डाला जाता है। तो उसकी ये क्वालिटी होती है, उसका केमिकल कंपोजिशन ऐसा होता है कि वो सल्फर को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो वो सल्फर को लेके स्लैग में चला जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका डीसल्फराइजेशन प्रोसेस, काफ़ी आखिरी में होता है ये। इसके अलावा एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, फोमिंग स्लैग। फोमिंग स्लैग के बारे में ही जान लीजिए, जब शुरू में जब आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ना, ऑक्सीजन देते हैं रिफाइनिंग के समय में, तो ऑक्सीजन जो है ना कार्बन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, CO। अब ये CO क्या है, एक गैस है। तो ये CO जब ये CO गैस बनता है ना, तो ये जल्दी से बाहर नहीं निकल पाता है, ये क्या होता है, ये स्लैग में ही ट्रैप हो जाता है, ठीक है। CO गैस क्या हो जाता है, स्लैग में ट्रैप हो जाता है, और ये क्या बनाता है, फोमिंग स्लैग बनाता है। फोमिंग मतलब हो गया झाग, जैसे आप पानी में क्या डालते हो, सर्फ डालते हो ना, उसके बाद उसको हिलाते हो तो उसमें क्या बन जाते हैं, फोम बन जाते हैं, झाग बन जाते हैं। तो झाग क्यों बनता है, क्योंकि उसके बीच में जो है जो एयर है, जो हवा है, वो ट्रैप हो जाता है, इसलिए वहाँ पे क्या बनता है, झाग बनता है। वैसे ही क्या होता है, यहाँ पे भी जब CO गैस बनता है ना, तो जब वो ऊपर की ओर उठता है तो वो स्लैग में ट्रैप हो जाता है, तो स्लैग में ट्रैप होकर क्या बना लेता है, इस तरह से फोमिंग स्लैग बना लेता है, ठीक है। जैसे आप दूध को गर्म करते हो तो दूध उफनता है ना एकदम फोम बनते हुए, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में भी वैसी फोमिंग स्लैग बनता है। वो फोमिंग स्लैब का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, वो बहुत अच्छा होता है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के लिए, है ना। देखिए उसका क्या क्या एडवांटेज होता है, एक पहला तो फोमिंग स्लैग जो है ना पूरे मेटल को कवर करके रखता है, जैसे ये मेटल का सरफेस है, तो इसके ऊपर पूरा जो फोमिंग स्लैग जो बनेगा ना, वो क्या करेगा, बाहर के एटमोसफियर से मेटल को बचाता है, जैसे कि बाहर के जो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैसेज जो है वो मेटल में नहीं आ पाती है। इसके अलावा एक तरह से थर्मल इंसुलेटर का भी काम करता है कि मेटल का टेम्परेचर डाउन ना हो। उसके अलावा सबसे जो मेन फंक्शन वो ये होता है कि जो इलेक्ट्रोड होता है ना, वो फोमिंग स्लैग के अंदर डूबा होता है, जो इलेक्ट्रोड जो होता है वो फोमिंग स्लैग के अंदर जो है वो डूबा होता है। तो इस कंडीशन में अगर फोमिंग स्लैग के अंदर है आपका इलेक्ट्रोड, तो वहाँ पे आप वोल्टेज देके आर्क लेंथ को बढ़ा सकते हैं, है ना। क्योंकि देखिए अगर इलेक्ट्रोड जो है फोमिंग स्लैग के अंदर है, तो जो आर्क जो बन रहा है
वो आर्क जनरली फिर वो रिफ्रैक्ट्री को डैमेज नहीं करता है क्योंकि वो फोमिंग स्लैग के अंदर है, तो आर्क भी जो है वो सीधे सीधे अंदर मेटल के अंदर जाता है ना, वो आर्क रिफ्रैक्ट्री को डैमेज नहीं करता है, ठीक है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, वोल्टेज को बढ़ा सकते हो और मेल्टिंग स्पीड को और आप बढ़ा सकते हो। वोल्टेज बढ़ाओगे तो आर्क का लेंथ बढ़ेगा, आर्क का लेंथ बढ़ेगा तो इससे मेल्टिंग और ज़्यादा फास्ट होगा, ठीक है। ये केवल पॉसिबल है फोमिंग स्लैग के कारण। अगर फोमिंग स्लैग नहीं बनता ना तो आर्क जो है वो अंदर नहीं डूबा रहता, किसके, फोमिंग स्लैग के। तो वो आर्क क्या कर सकता था, रिफ्रैक्ट्री को, जो अगल बगल जो रिफ्रैक्ट्री है फर्नेस में, उसको डैमेज कर सकता था, ठीक है। इसके अलावा फोमिंग स्लैग जो है ना वो मास ट्रांसफ़र को भी प्रमोट करता है, क्योंकि देखिए जब फोम बनता है ना तो कॉन्टैक्ट एरिया जो है मेटल और स्लैग के बीच बढ़ जाता है ना। कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ना बहुत ज़रूरी है मेटल और स्लैग के बीच, क्योंकि स्लैग और मेटल के बीच ही इंटरफेस में ही मास ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। जैसे कि मेटल से कोई ऑक्साइड है वो स्लैग में जाना है, ठीक है, या स्लैग में जो मेटल है जैसे FeO है वो मान लीजिए रिड्यूस होकर मेटल में आना है, तो वो क्या है, वो एक मास ट्रांसफ़र है। तो मास ट्रांसफ़र तभी होगा ना जब कॉन्टैक्ट होगा स्लैग और मेटल के बीच में, ठीक है। तो जब फोमिंग स्लैग होता है ना तो कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ता है स्लैग और मेटल के बीच में, ठीक है, तो इससे मास ट्रांसफ़र रेट फास्ट होता है ना, बोल सकते हो। इससे ओवरऑल जो रिफाइनिंग जो है वो जल्दी होता है आपका। तो ये फोमिंग स्लैग का इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो ये फोमिंग स्लैग जो है वो बनना ही चाहिए। उसके बाद आपका रिफाइनिंग कंप्लीट हो गया। रिफाइनिंग कंप्लीट होने के बाद आपका सैंपल वगैरह लिया जाता है कि आपका जो एम, जो केमिस्ट्री है, जो आप जिस कंपोजिशन से आप मेटल को बनाना चाह रहे हो, है ना, ये क्या है, एक्चुअली में प्राइमरी स्टील मेकिंग है, तो इससे जो आप कंपोजिशन बनाना चाह रहे हो वो बना कि नहीं बना, इसको देखने के लिए सैंपल लिया जाता है। सैंपल को फिर चेक करते हैं, उसके बाद अगर रिजल्ट आता है कि आपको जो चाहिए कंपोजिशन वो मिल गया है, तब किया जाता है डिसलैगिंग। क्योंकि डिसलैगिंग प्रोसेस जो है ऐसा नहीं है कि एक ही बार किया जाता है, बीच बीच में डिसलैगिंग करते रहना पड़ता है, लेकिन जो फाइनल डिसलैगिंग होता है ना वो आखिरी में ही होता है। तो डिसलैगिंग करने के लिए क्या होता है, आपका फर्नेस को थोड़ा सा टिल्ट किया जाता है। शुरू में मैंने आपको दिखाया था रॉकर टिल्ट होता है, टिल्ट सिलेंडर होता है, हाइड्रोलिकली काम करता है वो, तो उससे टिल्ट करके मेटल का जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में जो स्लैग बना है ना उसको क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, डिसलैगिंग कर लेते हैं। उसके बाद होता है टैपिंग। डिसलैगिंग हो गया फिर क्या होता है, टैपिंग। तो टैपिंग के लिए मैंने आपको दिखाया था ना, उसमें EBT होता है, इसेंट्रिक बॉटम टैपिंग, तो उसमें गेट लगा होता है, उस गेट को हटाते हैं तो उससे जो मेटल है ना वो सीधे सीधे किस में है, लैडल में गिरने लगता है इसेंट्रिक बॉटम टैपिंग से। तो जब टैपिंग करते हैं उसी समय ही, जब आप टैपिंग कर रहे हो उसी समय से जो डीऑक्सीडाइज़र है वो आप डालना चालू करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, सिलिकन है, ये सब डीऑक्सीडाइज़र जो है वो उसी समय मिलाया जाता है टैपिंग के समय में। उसके बाद फिर आपका डीसल्फराइजेशन प्रोसेस चालू होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर आपका लास्ट जो स्टेप होता है वो होता है फर्नेस टर्न अराउंड। फर्नेस टर्न अराउंड में क्या होता है, एक बार फर्नेस को चेक किया जाता है कि कुछ डैमेज तो नहीं हुआ है ना, डैमेज वगैरह चेक किया जाता है, अगर कहीं पर डैमेज है कुछ है तो उसको फिर रिपेयर किया जाता है। रिपेयर करने के लिए आपका रिफ्रैक्ट्री मड होता है, रिफ्रैक्ट्री मड को स्प्रे करके कोई जगह अगर डैमेज हुआ है रिफ्रैक्ट्री तो उसको फिर बराबर किया जाता है। ये होता है लास्ट स्टेप, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें आपको इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस यहीं पे कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का ऑपरेशन। देखिए आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, आपको थ्योरेटिकल बहुत सारी चीज़ें दिख रही होगी, बट मैंने जो आपको बताया ना, जो मैंने बताया आपको वो सबसे बेस्ट है, जो मैं बता रहा हूँ उसको अगर आप नोट कर लेते हो, याद रखते हो, तो कंप्लीट आपको मतलब इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस ऑपरेशन पता चल गया, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, उस पर आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई सारी चीज़ें अननेसेसरी भी होती है, बहुत सारी चीज़ें जो है लिखी होती है, जैसे बुक्स में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है, बट इंपॉर्टेंट क्या होता है, कुछ पॉइंट्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो बता दिए, ठीक है। तो ये वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।